Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from the studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. SSC bank और railway में job पाना गर्व की बात है, पर उसका पहला step है exam को clear करना. और अगर आपको कोई guide करे, shortcut और tricks बताए और motivate करे, तो आपकी सफलता निश्चित है. हमारे कोर्सेज से न सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगी. और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी मंजिल हासिल करें. हेलो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में, विच इज पार्ट ऑफ एन एकेडमिक ग्रुप. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे अपनी मंडे टू सैटरडे की एक इंपॉर्टेंट क्लास होती है, जिसके अंदर अपन कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि डिस्कस करते हैं, जो कि आपके करंट अफेयर की होती है, जिससे आपकी नॉलेज और साथ में एग्जाम में मार्क्स दोनों ही काफी इंप्रूव होंगे. दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप इसको रेगुलर देखते होंगे और ओवर द टाइम आप देख रहे होंगे. अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपके नॉलेज के अंदर काफी इंप्रूवमेंट हुआ होगा. तो हमेशा की तरह दोस्तों, सबसे पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उसके बाद चलेंगे आज के इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ. चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना पहला सवाल है जो कि अपन डिस्कस करने वाले हैं. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ अफ्रीकन यूनियन. अफ्रीकन यूनियन के नए चेयरमैन के बारे में यहां पे आपको बताना है कि कौन इलेक्ट करे गए हैं, और इसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया था. आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, फतेह सीसी, अब्दुल फतेह सीसी है, जो कि अभी नए क्या बनाए गए, चेयरमैन बनाए गए, किसके? अफ्रीकन यूनियन के. नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज साइंड है, इंडिया हैज साइंड है $3 billion डील विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर द परचेज ऑफ 15 चिनुक एंड 22 अपाचे. तो अपाचे और चिनुक अपन किससे ले रहे हैं? यूएसए से ले रहे हैं. तो आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा. रिसेंटली अ हिमालयन क्लाउड ऑब्जर्वेटरी हैज बीन सेट अप एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन. कहां पे करी गई है दोस्तों? तिहरी के अंदर इसको करी गई है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर टाइटल एट 61st एनुअल ग्रैमी अवार्ड. तो एनुअल ग्रैमी अवार्ड के अंदर आपको बताना है कि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है वो किसने जीता है. तो दिस इज अमेरिका. ठीक है, तो सी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है. ग्रैमी के बारे में मैंने आपको बताया था. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द राजस्थान रॉयल. राजस्थान रॉयल के ब्रांड एम्बेसडर शेन वॉन को बनाया गया. Who has been appointed as the assistant coach for Australian cricket team for the 2019 World Cup? तो Ricky Ponting को assistant coach है, जो कि यहाँ पे बनाया है. What is the name of the digital skiing program launched by the Facebook to empower women? Women को empower करने के लिए Goal नाम से start किया है, going online as leaders. तो A इसका बिल्कुल सही answer है. Who tops Harun India philanthropy list? तो मुकेश अंबानी ने इस philanthropy यानी कि जो परोपकार की जो सूची है उसमें सबसे ज्यादा किया है, और इसलिए नंबर वन पे है. वर्ल्ड पल्सर्स डे कब आता है? 10th of February, यानी कि बी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा. नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीनेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज अमन 19 वाज हेल्ड इन. अमन 19 के बारे में आपको बताना है, इसको कहां पे कराया गया. तो अमन 19 की बात करें तो इसको कहां पे कराया गया है? ठीक है, इसको कराया गया कराची के अंदर. ठीक है, कराची के अंदर यह एक्सरसाइज है जो कि यहां पर हुई है. ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं. अब देखते हैं आज का अपना कोड ऑफ द डे क्या है. कोड ऑफ द डे की बात करें दोस्तों, तो ये है, इट्स नॉट अबाउट परफेक्ट, इट्स अबाउट एफर्ट, एंड व्हेन यू ब्रिंग दैट एफर्ट एवरी सिंगल डे, दैट्स वेयर ट्रांसफॉर्मेशन हैपन, दैट्स हाउ चेंजेस अकर. तो अगर आप देखता है कि लोगों में बदलाव कैसा आता है, तो दोस्तों परफेक्शन तो देखिए बहुत दूर की बात होती है, लेकिन सबसे पहले जो एफर्ट होता है
वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप डेली अपने रूटीन के अंदर कितना एफर्ट लगाते हैं और वहीं से आपकी दिन की शुरुआत है जो कि बदलने चालू होती है और ट्रांसफॉर्मेशन होना चालू होता है। और इसी से जो है मैंने आपको बताया था कि मैटर ये नहीं करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, मैटर ये करता है कि आप हर दिन को कैसे जीते हैं और वहीं से आप क्या बनते हैं वो आपका पैदा होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो एफर्ट के अंदर आप कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। देखिए होना ना होना इट्स अ डिफरेंट थिंग, जो भी होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि एफर्ट लगाना। तो अगर आप अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए, तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी और पेपर तो आज नहीं तो कल निकल ही जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और इस मेहनत से जो आपके अंदर बदलाव आएगा, जो आपके अंदर खुद को महसूस होगा कि मैं भी मेहनत कर सकता हूं, मैं भी इस लेवल की मेहनत कर सकता हूं, वो बहुत ज्यादा इमेंस होगा और उससे लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इस छोटी सी बात को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। और चलते हैं आज के द हिंदू के फ्रंट पेज की तरफ। फ्रंट पेज की अगर बात करें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ जनरल डिस्कशन है वो अपन कर लेते हैं कि आज अपने पेपर पे एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो राव है उनको गिल्टी मान लिया है, ठीक है, गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट। तो एक्चुअली के अंदर मुद्दा क्या था कि जो नागेश्वर राव है जो इंटीरियम डायरेक्टर थे सीबीआई के, तब इनको बोला था कि शर्मा जी है उनको बिहार शेल्टर केस से है ना उनको ट्रांसफर नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, लेकिन भाई साहब ने मानी नहीं बात सुप्रीम कोर्ट की और उनको ट्रांसफर टिका दिया, ठीक है। तो उस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी खफा हुआ और गिल्टी कंटेम्प्ट ऑफ, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तौर पर इनको माना गया है गिल्टी और अभी इनको 1,00,000 रुपए का जुर्माना और मेरे ख्याल से कोई 30 दिन के आसपास की कोई सजा भी हो सकती है, ठीक है। तो काफी और इन्होंने सॉरी वॉरी भी बोली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, काफी माफी भी मांगी है इस चीज को लेकर, लेकिन वही वाली बात है कि जब हो गया सो हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको गिल्टी मान लिया है। इसके अलावा 17 लोगों की डेथ हो गई है दोस्तों करोलबाग के एक होटल के अंदर आग लगने से। यहां पे बात करें तो अखिलेश को जो प्रयागराज है वहां पे जाने से रोक दिया गया, ठीक है, फ्लाइट के अंदर, फ्लाइट में बोर्ड करने से। इसके अलावा यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव दैनिक की रिपोर्ट चल रही है पिछले कुछ दिनों से और यहाँ पे बताया है कि भाई इस वाले रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे जो बताया गया वो ये बताया गया कि राफेल डील जो है, ठीक है, वो बेटर नहीं थी टर्म्स के कंपेयर में जो यूपीए की एरा के टाइम पे हुई थी। तो ये यहाँ पे एक्सक्लूसिवली दैनिक की पिछले कई दिनों से रिपोर्ट चल रही है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 7 पे। यहाँ पे हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो बात करें तो यहाँ पे इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट अपने इंडियन आर्मी के लिए किया है और इसके बारे में देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है तो आपके डिफेंस के पेपर में तो मेजरली काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल देखने को मिल सकता है। तो किसके साथ में किया है, यूएस के साथ में किया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ में किया है, कौन सी कंपनी है, सिक्स वार है यूएसए की कंपनी। अब इन्होंने अपन ने किस चीज के लिए किया है, असॉल्ट राइफल के लिए किया है। आपको मालूम है कि दोस्तों अपनी जो राइफल्स है वो आर्मी काफी टाइम से डिमांड कर रही है, काफी पुरानी हो गई है। तो सिग नाम SIG-716 असॉल्ट राइफल्स है, इसके लिए भारत ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कितनी, 72,400 राइफल्स जो है वो अपन लेने वाले हैं। तो उसको लेकर जो है काफी टाइम से फेल्ड हो रहे थे अटेम्प्ट अपने इक्विपमेंट को देने को लेकर, बेसिक राइफल को लेकर, लेकिन फाइनली आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और फ्रंट लाइन जो अपने सोल्जर्स है जो ऑपरेशनल एरियाज में उनको ये दी जाएगी, ठीक है। और ये अपनी कौन सी राइफल्स को रिप्लेस करेगी, इंसास को करेगी। आपको मालूम है ना अभी हम जो यूज करते हैं वो इंसास करते हैं, इंसास राइफल्स को करते हैं। इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म्स सिस्टम। तो ये इंसास जो अपनी राइफल्स है जो कि काफी पुरानी है इनको बदलेगी, ठीक है। और 72,000 में से कोई 40,000 क्या 66,000 तो आर्मी के पास जाएगी, 2,000 नेवी के पास और 4,000 एयरफोर्स के पास में जाएगी। और इफेक्टिव रेंज कितनी, 500 मीटर की इनकी इफेक्टिव रेंज है और 3 किलो से भी कम का वेट है इनका, तो वेट बहुत कम है, ये बहुत अच्छी बात है, ओके। तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी के तहत इस काम को किया गया है, भारत के अंदर भी इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके साथ में भारत के अंदर भी प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, प्रोडक्ट इन मेक इन इंडिया के तौर पर, ठीक है। तो ये यहाँ पे डील है जो कि एक्चुअली करी गई है, ठीक है। इसके अलावा ये जो डिलीवर होंगे 12 महीने के अंदर जो है यूएस फार्म इनको पूरी तरीके से डिलीवर कर लेगी, ठीक है। अपने आप एक इंडियन प्राइवेट कंपनी को सेलेक्ट किया जाएगा जो कि टीम बनाएगी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ में और प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर भी बनाएगी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बात आपको ध्यान रखनी है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर पेज नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे एक डाटा है दोस्तों जो कि आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अपने देश में एजुकेशन के एक्चुअली में हालात क्या है। आपको मालूम है दोस्तों कि अपने स्कूल जो है ना, अपने स्कूल इंस्टीट्यूशंस है, जो कॉलेजेस है, वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री और जो मार्कशीट देने का पूरा पैटर्न बन चुके हैं। अगर रियलिटी में बात करें, अगर आप सरकारी स्कूल में देखोगे तो वहां पे पांचवी क्लास का जो बच्चा है वो ढंग से लिख भी नहीं सकता है, आठवीं क्लास का जो बच्चा है वो चौथी पांचवी क्लास की किताबें नहीं पढ़ सकता है। ये अपने एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी है और मेजरली मोर देन 70% यही हालात है। अगर मैं कुछ राज्यों को छोड़ दूं, जैसे कि केरला हो गया, ठीक है, तमिल हो गया, एकादी नागालैंड और कुछ एक राज्यों को छोड़ दूं तो बाकी गोवा हो गया, बाकी जगह पे यही हालात है। यहाँ पे पूरा का पूरा एक डाटा बताया गया है, देखिए, ठीक है, स्टेट वाइज कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे कि अपने 443 जो डिस्ट्रिक्ट है आउट ऑफ 586 डिस्ट्रिक्ट, समझ रहे हो, 443 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 586 डिस्ट्रिक्ट जो है वो छठी और आठवीं तक की जो ग्रेड के बच्चे हैं वो बेसिक डिवीजन नहीं कर पाते हैं। अगर उनको बोलो ना कि भाई 100 को डिवाइड करना है 8 से तो वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, यानी कि बेसिक डिवीजन में उनकी प्रॉब्लम है। तो लर्निंग लेवल जो है यहाँ पे मेजर करे गए अपने नॉलेज के, मैथ के तौर के ऊपर और साथ में रीडिंग के तौर के ऊपर, तो काफी ज्यादा सनसनीखेज डाटा है जो कि सामने आए। मणिपुर मिजोरम के जो बच्चे हैं वो अच्छे हैं, लर्निंग लेवल उनका अच्छा है, मेघालय त्रिपुरा असम उनका बहुत ही खराब है, बिहार के बच्चे रीडिंग के अंदर बड़े खराब है लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर अच्छे हैं, सेम तमिलनाडु के बच्चों के साथ है, हरियाणा पंजाब हिमाचल, ठीक है, ये दोनों ही एस्पेक्ट में बच्चे ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इनकी हालत बड़े खराब है। पंजाब जो है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो रीडिंग स्किल्स जिनकी बहुत ही खराब हो, लेकिन मैथ जो स्किल है वो भी नेशनल एवरेज से बुराई है। नेशनल एवरेज की बात करें तो 40.7 है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, रीडिंग टेक्स्ट की, और अगर वैसे बात करें मैथमेटिक्स की तो 69.5 है। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे आप देख सकते हो मेजरली जो बात है वो यही है कि हमारे अभी भी जो बच्चे पांचवी से आठवीं तक के बच्चे हैं उनके पास में ना तो बेसिक रीडिंग स्किल्स है और ना ही मैथमेटिक्स के स्किल्स है। ठीक है, कुछ साल बाद आठवीं से आपको मालूम है मुश्किल से 4 साल लगते हैं कॉलेज में आने के लेकर, और फिर आपको मालूम है कोई अच्छा कॉलेज मिलता नहीं है, फिर वही है बीए बीकॉम करनी है, उसके बाद में आपको मालूम है कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, और इस तरीके से जो मेजरली टाइम है वो निकल जाता है जो कि एक बच्चे का ग्रोइंग टाइम होता है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा यार, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, कोई भी है, तो एटलीस्ट उसकी रीडिंग और मैथमेटिक्स स्किल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया करो, थोड़ा सा कोशिश क्या करो वो बेसिक लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाए, क्योंकि अगर वो स्कूलिंग के अंदर ठीक ठाक कर रहा है तो एक अच्छे स्कूल के बाद में एक अच्छे कॉलेज के लिए कम से कम वो अच्छे फाइट कर सकता है। अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो डेफिनेटली आगे उसको काफी मदद मिलती है अपने करियर को बनाने को लेकर। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन बच्चों का अच्छा कॉलेज नहीं मिलता वो नहीं कर पाते, वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हेल्प जो है वो आपको ज्यादा मिल जाती है एक अच्छे कॉलेज से पास आउट होने के बाद में, आपको काफी चीजें जो कि जीवन में देखने को और सीखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आप दिख रहे हैं, पूरा का पूरा डाटा दिया हुआ है जो कि हालत यहाँ पे बड़े खराब है। ठीक है, तो एटलीस्ट यार आप लोग तो काफी इंप्रूव कर गए हो मेरे को लगता है ओवर द टाइम, पिछले एक साल के अंदर जिन जिन बच्चों ने रेगुलर करंट अफेयर देख रहे हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं सुबह 8 बजे आके, तो मेरे को लगता है एटलीस्ट आप लोगों की नॉलेज तो यार अब उस लेवल की हो गई होगी कि एक कोई अगर कोई सिविल सर्विसेज में कोई बंदा अगर कोई ज्वाइन कर चुका है तो इंटेलेक्चुअल लेवल एटलीस्ट आपका उसी लेवल का होगा, क्योंकि आप अगर आप काफी टाइम से रेगुलर देख रहे होंगे, मुझे लगता है 5000 बच्चे तो ऑलमोस्ट अपने देखते ही है, तो एटलीस्ट आप लोगों की ग्रोथ काफी हुई होगी जो कि मुझे लगता है स्कूल और कॉलेज के अंदर इतने सालों में हुई होगी जितने आपने 1 या 2 महीने के अंदर आपने सीखा होगा। ठीक है, तो इसलिए आप कोई से भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे आपके घर में कोई हो, सबको सजेस्ट किया करो सुबह 8 बजे वाला सेशन ज्वाइन करने को, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 10 की। पेज नंबर 10 की बात करें तो एक तो कैग ने अपनी रिपोर्ट दी थी पार्लियामेंट के अंदर और कांग्रेस को पसंद नहीं आई और उसने जेपीसी डिमांड से वॉकआउट कर लिया। ओके, इसके अलावा बात करें तो पीएम ने लीक करी है कुछ, पीएम ने की लीक हुई है डिटेल, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा है। और इसके अलावा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे देख लेते हैं हमारे लिए क्या है। हाँ बिल्कुल, यहां पे इंडिया और मालदीव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। आज से 1-2 महीने पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, इंडिया और मालदीव के अंदर एक मुद्दा हो गया था, मालदीव के अंदर जो इंडियन थे ना उनका वहां पे वीजा जो वर्किंग वीजा है वो उनको रेन्यू नहीं किया जा रहा था, जिनसे जॉब में बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी वहां पे, तो उनको वर्क परमिट जो है वहां पे मना कर दिया गया था, काफी लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गई थी। स्पेशली मालदीव के अंदर जो हॉस्पिटैलिटी जो अपने काफी बंदे जो अपने हॉस्पिटैलिटी के हैं जो कि मालदीव में काम करते हैं होटल इंडस्ट्री के अंदर, टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और इंडिया ने उसके बाद में
मालदीव गवर्नमेंट से बात करने के बाद में उनको वहां पे करवाया, और अभी फाइनली क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट एक्सचेंज करे गए हैं, जिससे क्या होगा कि जो वीजा जो है ट्रैवल वीजा है दो कंट्रियों के बीच में वो काफी आसान हो जाएगा। बायलेटरल स्टैंड ऑफ जो है काफी टाइम से हो रहा था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। लिबरल वीजा सिस्टम जो है वो मालदीव्स के नेशनल्स के लिए हमारे देश में रख दिया गया है कि वो यहां पे आके टूरिज्म, बिजनेस, एजुकेशन, मेडिकल पर्पज से आसानी से यहां पे आके रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सेम विद द इंडियंस, इंडियंस के लिए भी मालदीव्स में ऐसा ही है ना, बिजनेस पर्पज के लिए आप आसानी से वहां पे जा सकते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपने स्टेटमेंट में अनाउंस किया है कि जो ये डिप्लोमेटिक नोट्स हमने एक्सचेंज करे, इससे काफी आसान हो जाएगा हमारा वीजा फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। ठीक है, तो आपसे पेपर में पूछेंगे कि भारत ने रिसेंटली किसके साथ में रिवर्स वीजा स्टैंड ऑफ जो है वो क्लियर किया है, या फिर बिजनेस पर्पज के तौर पर वीजा जो है वो इजी हो गया है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो मालदीव्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपके पेपर के लिए ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कैपिटल करेंसी की तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। मेल वहां की कैपिटल है MALE, और करेंसी की रूफिया, रूफिया है जो कि वहां पे करेंसी चलता है। और प्रेसिडेंट कौन है अभी, सॉली, इब्राहिम मोहम्मद सॉली है जो कि अभी वहां पे प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ओके, चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके पेज नंबर 17 पे स्पोर्ट्स के न्यूज है, जो कि एक निर्धन हो गया एक पर्सन का, फॉर्मर क्रिकेटर का, इनके बारे में न्यूज है। तो फॉर्मर दिल्ली और नॉर्थ जोन के एक पेसर है, ठीक है, लूथरा जी, उनकी डेथ हो गई है, तो इसको लेकर द हिंदू के अंदर बताया गया है। सुरेश लूथरा जी की अभी डेथ हुई है फरीदाबाद के अंदर, 74 साल के थे और लेफ्ट आर्म, ठीक है, काफी अच्छे स्विंग बॉलर थे, रेपुटेड बैट्समैन को ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्होंने आउट किया है, काफी डोमेस्टिक मैचेस के अंदर भी और बाहर भी। ओके, और स्वामी तलवर करके एक कोच है, बहुत ही फेमस कोच है पंजाब के, उनके स्टूडेंट रहे हैं और नॉर्थ इंडिया के अंदर इनकी बॉलिंग के काफी ज्यादा मतलब काफी अच्छी मानी जाती थी। ओके, तो इनके अभी निर्धन हुआ है तो इस चीज को लेकर यहां पे जानकारी दी गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि लास्ट पेज के ऊपर एक एडवर्टीजमेंट है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का है, केजरीवाल जी यहां पे है विदाउट मफलर है। ठीक है, तो ये भी काफी शॉकिंग हो जाता है लोगों के लिए, विदाउट मफलर देखना इनको। तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम फ्रेमवर्क है जो कि बनाया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स के लिए, तो इसका लॉन्चिंग होने वाली है। तो आपसे पेपर में पूछेंगे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम फ्रेमवर्क जो है ये कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, बैजवाल जी, अनिल बैजवाल, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, और यहां पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है जो कि वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर आई है और आज सुबह के 5 बजे वाले में भी डिस्कशन किया है मैंने। वुमेन विद 4 चिल्ड्रन टू गेट लाइफ टाइम एग्जेम्पशन इन हंगरी। अगर आप हंगरी के अंदर रह रहे हो, ठीक है, अगर आप हंगरी के अंदर रह रहे हो और अगर किसी वुमेन के 4 बच्चे हो जाते हैं तो उसको लाइफ टाइम तक टैक्सेस देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश में आपको मालूम है पॉपुलेशन कम करने की कवायद चल रही है और यूरोपियन देश ऐसे हैं जहां पे पॉपुलेशन बढ़ाने की बातचीत चल रही है। ठीक है, कोई हमारे यहां से ले जाओ, कोई 100-200 करोड़ अगर कमी पड़ रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने आप में तो ठीक है 130 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। अगर बोल दिया जाए पॉपुलेशन की दिक्कत है 100 करोड़ हमारे यहां से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहां पे पॉपुलेशन की बड़ी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होती है पॉपुलेशन तो क्या होता है कि बाहर के लोग काफी आ जाते हैं, इमिग्रेशन में रिफ्यूजीज काफी आते हैं, उससे फिर पूरे कंट्री के माहौल खराब हो जाता है। तो इस चीज को लेकर हंगरी के जो PM है उन्होंने यहां पे क्या किया, 4, ठीक है, 4 बच्चे अगर किसी वुमेन के होते हैं तो उसको लाइफ टाइम तक टैक्सेस देने का फ्री कर दिया गया है। और इनफैक्ट अगर 3 बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, मतलब 4 बच्चे के साथ में, उनको 7-सीटर व्हीकल लेने के लिए भी मतलब $9,000 जो है ना वो यहां पे दिए जाएंगे। इसके अलावा और भी बताया गया है कि अगर पहला बच्चा होता है तो आपको कुछ लोन में भी फायदा मिलेगा, ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट आपको लोन मिलेगा, 2 बच्चों में फलाना मिलेगा, 3 में ऐसा मिलेगा, तो ऐसे स्कीम है जो कि यहां पे चलाई गई है। तो 7-पॉइंट प्लान बनाया गया है PM के द्वारा ताकि जो फर्टिलिटी रेट है कंट्री के अंदर वो इंक्रीज किया जाए। यूरोप के अंदर मैक्सिमम जो फर्टिलिटी रेट है वो फ्रांस की है वैसे, एक्चुअली में 1.9 समथिंग ऐसे कुछ, ठीक है। आपको मालूम है बिहार के अंदर अपने यहां पे फर्टिलिटी रेट कोई 3 पॉइंट समथिंग है, यानी कि एवरेजली 3-3.5 तक मतलब जो बच्चे हैं वो अपने एवरेजली बिहार के वुमेन जो है वो बेयर करती है, ठीक है, तो एक एवरेजली है, तो ये काफी, और काफी बच्चे जो कि जाने के लिए तैयार है। ऑब्वियस है भाई, यूरोप कौन जाना नहीं चाहेगा, बुदापेस्ट यहाँ की करेंसी है, आपने कैपिटल है, आपने सुना होगा बुदापेस्ट का नाम, काफी ब्यूटीफुल कैपिटल है और फॉरेंट है जो कि यहाँ की करेंसी है, क्या चलती है, फॉरेंट यहाँ पे करेंसी चलती है, ठीक है। तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है, ऑर्बिन,
विक्टर ऑर्बेन है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। और भी कई सारे देश हैं यूरोप के, ना सिर्फ हंगरी, अगर आप बात करोगे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क है, और भी कई सारे देश हैं जिन्होंने कई सारी स्कीम्स है जो कि चला रखी है वुमेन के लिए। अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाते हो तो आपको कई जगह पे फ्रिज मिलता है, कई जगह पे आपको हनीमून पैकेज मिलता है घूमने के लिए, कई जगह पे क्या मिलता है, तो ऐसे कई सारी पॉलिसीज है जो कि चला रखी है। इनफैक्ट रशिया के अंदर भी है। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनमें प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने क्या अपनी पॉपुलेशन कम जाने चालू कर दी है, समझदार हो गए इसलिए पॉपुलेशन कम हो रही है। ओके चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं। और नेक्स्ट, यहाँ पे जयपुर में एक्सरसाइज राहत का भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमान ने संचालन किया। तो एक्सरसाइज राहत जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है जयपुर में। इसके बारे में कुछ टाइम पहले भी अपन ने पढ़ा था कि जयपुर में होगी, अभी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कहां पे हुई है, जयपुर के अंदर हुई है। तो जयपुर बेस्ड सप्तशक्ति कमांड है इंडियन आर्मी की। तो दो दिन का ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है एक्सरसाइज राहत, जो कि स्टार्ट करी गई है। ओके, तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, चलचित्राम नेशनल फिल्म फेस्टिवल 1 मार्च से शुरू होगा। तो ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज है, चलचित्राम नेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसके बारे में आप पे बातचीत करी गई है और 1 मार्च से जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा। और स्पेशल अवार्ड है जो कि रखी गया है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। कहां पे होगा दोस्तों, गुवाहाटी के अंदर होगा। तो अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई अगर स्पेशल इवेंट होता है तो हमारे पेपर के अंदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थीम क्या है, आर हेरिटेज आर प्राइड। ठीक है, ये गुवाहाटी बेस्ड चलचित्राम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेरिटेज और कल्चर को शोकास्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट के नेशनल इंटरनेशनल ऑडियंस को बताने के लिए इसको स्टार्ट किया जाता है। 1 लाख रुपीज प्राइज मिलता है और पार्टिसिपेंट जो स्पेशल है उनको 50,000 रुपीज यहां पे दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो सेंटर नेम्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एज ए मैस्कॉट फॉर COP13। बिजनेस स्टैंडर्ड के न्यूज़पेपर के, बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर ही आई है दोस्तों कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 13 हुई थी। ओके, और ये इंडिया के अंदर हुआ है, गुजरात के अंदर है, आपको मालूम है नेक्स्ट डे शेड्यूल किया गया है और माइग्रेटरी बर्ड्स को लेकर, माइग्रेटरी स्पीशीज को लेकर। तो यहां पे जो बताया गया है, ठीक है, अनाउंस किया गया है मैस्कॉट, वो क्या, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किया गया है। ओके, और बर्ड का फॉर्मली गिबी कहा जाता था। ठीक है, और गांधीनगर गुजरात के अंदर 2020 के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है वो गुजरात में गुवाहाटी के अंदर स्टार्ट हो गई है दोस्तों, टाइम्स नाउ की न्यूज है। और आपको मालूम है कोई भी बड़ा इवेंट होता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफी सालों बाद में हो रहा है, तो इसलिए ये न्यूज के अंदर है। 83 एडिशन जो सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो गुवाहाटी के अंदर स्टार्ट कर दी गई है। देखो डिफेंडिंग चैंपियन कौन है, साइना नेहवाल, और लास्ट एडिशन रनर अप पीवी सिंधु। बिगेस्ट अट्रैक्शन होगा वुमेन सिंगल्स के अंदर। ठीक है, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर 2010 के बाद में जो कि ये बड़ा इवेंट जो है बैडमिंटन का कराया जा रहा है। इसके अलावा प्रिजेश गुणेश्वरम पुरुषों की एकल तालिका के 100 टॉप 100 के अंदर पहुंच गए हैं। प्रिजेश की हम यहां पे बात कर रहे हैं जो कि टेनिस के अंदर, आपको मालूम है टेनिस में अपने डबल्स में अच्छे प्लेयर है, महेश भूपति, लेंडर पेस ने काफी नाम कमाया है। ओके, और लेंडर पेस की तो क्या बात करें, मतलब उनको खेलते हुए इतने टाइम हो गए, मतलब कोई 25-30 साल हो गए उनको खेलते हुए इंटरनेशनल सर्किट में, तो बहुत ही बड़ी बात है। प्रिजेश की ने यहाँ पे क्या किया है, टॉप 100 के अंदर मैन सिंगल रैंकिंग के अंदर पहुंच गए, 97 इनके रैंकिंग है। थर्ड इंडियन प्लेयर है जो कि अभी तक टॉप 100 के अंदर पहुंच चुके हैं, सोमदेव देवर्मन और यूकी बामरी के बाद में, समझ रहे हो, सिर्फ अभी तक तीन ही प्लेयर है जो कि टॉप 100 में पहुंचे सिंगल्स के अंदर। और अभी ATP चेन्नई चैलेंजर के अंदर वो सेमीफाइनल में पहुंचे थे, इससे इनकी रैंकिंग जो है वो काफी इंप्रूव हो गई। अब चलते हैं दोस्तों अपने कंट्री के स्टैटिक इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों देखिए आज जो अपन बात करने वाले हैं, आज अपन अफगानिस्तान के बारे में बात करने वाले हैं। आपको मालूम है अपन डेली एक कंट्री के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले अपन नेपाल देखा, फिर भूटान देखा, फिर अपन ने यहां पे म्यांमार के बारे में देखा, फिर पाकिस्तान के बारे में देखा, फिर अपन श्रीलंका के बारे में भी देखा। ठीक है, आज अपन किसके बारे में, अफगानिस्तान के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, आज आपको काफी कुछ है जो कि अफगानिस्तान के बारे में जानने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये अफगानिस्तान है। ठीक है, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, काबुल राजधानी है। कंट्रीज की बात करें तो ईरान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, और इंडिया से भी इसकी बाउंड्री मिलती है। जिन लोगों को लगता है इंडिया से नहीं मिलती है, गलत है दोस्तों, 105 या कुछ 103 समथिंग किलोमीटर की बाउंड्री है जो कि भारत से इसकी टच होती है, तो भारत का नेबरिंग कंट्री माना जाता है। ओके, क्योंकि आपको मालूम है ये वाला जो एरिया है वो पाक ऑक्यूपाइड है, हालांकि ये वैसे ठीक है इंडिया का ही पार्ट है पूरा का पूरा, JNK आपको मालूम है। ठीक है, उस दिन जो है वो पाकिस्तान ने अपने मैप में इसको इंक्लूड कर रखा है, इसलिए वो मैंने गलती से पाकिस्तान के अंदर दिखा दिया था, क्योंकि पाकिस्तान इसको करके रखता है,
लेकिन आपको मालूम है ये पाक ऑक्यूपाइड है, पीओके इसको अपन कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अपन इसको कहते हैं, ठीक है। और तो ये वाला जो एरिया है जो अपना, ये वाले एरिया के अंदर अफगानिस्तान की बॉर्डर है जो कि टच होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान की भारत से भी बॉर्डर टच होती है, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये देख सकते हो आप यहां पे इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं मैं, तो ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान का मैप है। चलिए आगे बात करते हैं, काबुल राजधानी करेंसी क्या चलती है, अफगान अफगानी यहां की करेंसी चलती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट कौन है, अशरफ गानी, ऑफिशियल लैंग्वेज धारी और पश्तो, पश्तो रूलर्स है, हाँ 105 106 किलोमीटर की है, बिल्कुल ठीक है, समवेयर इतनी कुछ है यार आसपास ही है इसके, ओके। और यहां पे लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है, पश्तो और धारी लैंग्वेज है, पेपर में पूछते हैं इसके बारे में। 73 में रिपब्लिक हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन 2004 में बनाया, नेशनल एनिमल स्नो लेपर्ड, बर्ड है गोल्डन ईगल, फ्लावर यहां पे ट्यूलिप चलता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो अफगानिस्तान की थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहां पे तालिबान वाली, एक्चुअली आधा एरिया तो तालिबान ने कैप्चर कर रखा है और आधा एरिया वहां की गवर्नमेंट ने कैप्चर कर रखा है, तो काफी प्रॉब्लमेटिक है। दो दो वाइस प्रेसिडेंट बना रखे हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है वहां पे, मतलब सीईओ जैसे कंपनी का होता है वैसे अफगानिस्तान का भी है, उसका नाम है अब्दुल्ला अब्दुल्ला, दो बार अब्दुल्ला है, मैंने दो बार रिपीट नहीं किया, नाम ही अब्दुल्ला अब्दुल्ला है, ठीक है। और चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, और भी कई सारे इंटरेस्टिंग बात है, जैसे कि लैंडलॉक्ड कंट्री है और ईरान पाकिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान इन सभी देशों से ये घिरा हुआ है। एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन है, इनकम है अफगानिस्तान की, नेचुरल रिसोर्सेज में काफी रिच है जैसे कि गैस और ऑयल। अफगानिस्तान फेमस हिंदू खुश माउंटेन, ठीक है, का बहुत ही बड़ा एरिया है, 18,000 फीट की हाइट पे है। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, नौशिक नाम का हाईएस्ट पॉइंट है जो कि नियर बाय 7,500 मीटर की हाइट पे है। बुशकाशी यहां का नेशनल गेम है, जिसके अंदर क्या होता है, दो लोग भाग के आते हैं और एक गोट को कैच करते हैं, बुशकाशी आपने सुना होगा कई बार। न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को, ठीक है, नवरोज आपको मालूम है, नवरोज फेस्टिवल, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस भी कर दिया गया था, प्री इस्लामिक फेस्टिवल है और गैदरिंग होती है काफी ट्रेवलर्स के अफगानिस्तान के अंदर और सेलिब्रेट करते हैं। मुस्लिम डोमिनेंस होने से पहले यहां पे बुद्धिज्म और ज़ोरास्ट्रिज्म जो है वो डोमिनेट रिलीजन जो है यहां पे हुआ करते थे। तालिबान ने यहां पे रूल किया 5 साल 1996 से 2001 और अभी भी नियर बाय 40-50% एरिया जो है वो तालिबान ने ही कैप्चर कर रखा है। तालिबान आपको मालूम ही आइडियोलॉजी बड़ी खतरनाक है, सुनी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट इनको ने चलाया था। अभी यहां पे मॉस्को के अंदर अभी बातचीत भी हुई है, आपको मालूम है तालिबान और यूएस और अफगानिस्तान के लीडर्स गए थे वहां पे और तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में बातचीत हुई है। इसके अलावा अफगानिस्तान बहुत ही फेमस सिल्क रूट का हिस्सा रह चुका है। ओपीएम जो चरस होती है, दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोड्यूस अफगानिस्तान के अंदर ही की जाती है। जो ये लादेन था, उसामा बिन लादेन, वो चरस का ही सबसे बड़ा बिजनेस किया करता था और काफी एक्सपोर्ट किया करता था यूरोप में, अमेरिका में, जहां पे भी चरस जाती है 80-90% जो हेरोइन कोकेन ये सब उसी से तो बनती है, तो ये सब जो है वो अफगानिस्तान से जाती है। और ज़ोरास्ट्रिज्म का बर्थ प्लेस भी अफगानिस्तान को माना जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट पहला पर्सन था जिसने एक एशियन सिटाडल यानी कि एक फोर्ट यहां पे बनाया था जब इस सिटी को कैप्चर किया था 330 BC के अंदर, ठीक है। मिनारेट ऑफ जैम अफगानिस्तान के अंदर सेकेंड टॉलेस्ट मिनारेट जो है वो वर्ल्ड में मानी जाती है। इसके अलावा कंधार एयरफील्ड जो है ये भी दुनिया में काफी ट्रैफिक के तौर पे बिजनेस रनवे माना जाता था पहले, लेकिन अभी कौन सा है, मुंबई है, ठीक है। कंधार एयरफील्ड ये कहां पर है, अफगानिस्तान के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सारे थे आज के आपके अफगानिस्तान इंफॉर्मेशन जो कि आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट थी। अब चलते हैं आज के अपने फन फैक्ट की तरफ। दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई गेम वेम बनाता है और गेम वेम से अगर किसी को कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है तो ये आपकी गलतफहमी है दोस्तों। अगर कोई गेम वायरल हो जाता है, जैसे कि आपको मालूम है आपने टेंपल रन खेला होगा, कैंडी क्रश खेला होगा, अभी क्या चल रहा है पबजी, ठीक है, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, तो वो सब अगर अभी चल रहे हैं और गेम अगर इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं ना, लूडो, ठीक है, सबसे ज्यादा जो फालतू लोग हैं उनका सबसे बड़ा गेम, ठीक है, तो ये अगर गेम अभी चल रहे हैं तो इससे जो इसका ओनर होता है, जो ओरिजिन जिसने इसको किया है, उसको बहुत ज्यादा अर्निंग होती है। देखिए कैंडी क्रश का एक डाटा है जो कि आपके सामने है, कैंडी क्रश ने अर्न किए हैं, ठीक है, 700,000 डॉलर पर डे हांगकांग के अंदर, ठीक है, एवरी हर सात में से एक आदमी इस गेम को एनी टाइम खेलते हुए मिलता है। हर एक 14 साल का बच्चा है वो नियर बाय 4,000 डॉलर जो है ना वो कैंडी क्रश की इन ऐप परचेज के अंदर खर्च करता है, जिससे आप देख सकते हो, ठीक है, 7 लाख डॉलर
जो है वो पर डे कैंडी क्रश अर्न कर रहा है। 7 लाख रुपए नहीं है, 7 लाख डॉलर है, यानी कि करोड़ों के अंदर, ठीक है, नियर बाय कोई 4-5 करोड़ पर डे जो है कैंडी क्रश ने अर्न करा है। ओके, तो इतना बड़ा गेम है जो कि ये बन गया था, और आपको मालूम है ऐसे कोई ना कोई गेम है जो कि दुनिया के अंदर चलता रहता है। तो दोस्तों चलते हैं आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन जिसके अंदर अपन ने डिस्कस किया काफी कुछ। उम्मीद करता हूं आधे घंटे के अंदर आपने काफी कुछ सीखा होगा। मेरा प्राइम मोटिव यही होता है कि अगर आप आधा घंटा देखे जा रहे हो 8 से 8:30, तो आपके लाइफ में भी बदलाव आना चाहिए और आपकी नॉलेज के अंदर जो है पिछले दिन से आज के दिन के अंदर अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। अगर कल से आज आप ज्यादा नहीं सीखे हो तो इसका मतलब मेरा सेशन जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ठीक है, मेरे जो 3-4-5 घंटे की मेहनत वो टोटली वेस्ट हुई है। ओके, अगर आप सीख रहे हो, डेली अपग्रेड हो रहे हो, डेली आप क्लास में आ रहे हो, अपने नॉलेज को इंप्रूव कर रहे हो, तो इसका मतलब मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ कहना कहीं, और ठीक है, जो कि मेरा मैं चाहता हूँ एक्चुअली में कि आप लोगों के नॉलेज का लेवल जो है वो बहुत आगे जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है यार, अगर आज का यूथ जो है अगर अपने सभी लोग जागरूक होंगे हर चीज को लेकर, हर देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, सब चीज को लेकर, तो काफी चेंजेस है जो कि अपन ला सकते हैं अपनी कंट्री में, काफी अच्छी चीजें हैं जो कि अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डजंट मैटर आप कौन सी फील्ड में काम कर रहे हैं, सब जगह आप कुछ अच्छा इनिशिएट जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों जाने के लेकर जाने से पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का आपका, अबू धाबी में निम्नलिखित में से किस भाषा को तीसरी आधिकारिक अदालत भाषा के रूप में शामिल किया गया है। तीसरी आधिकारिक भाषा अबू धाबी के अंदर, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में क्रेमिका फेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया। तो ये हमने पढ़ाई था, आपको बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने 4 या अधिक बच्चों वाली महिलाओं को आयकर में छूट की घोषणा करी है। ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, ठीक है। आगे, सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहां पे करवाई जा रही है। चल चित्रम नेशनल फिल्म फेस्टिवल के विजेता को कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है, और कहां पे कराया जाता है, गुवाहाटी के अंदर करवाया जा रहा है। नेक्स्ट है, नेशनल डीवॉर्मिंग दिवस कब मनाया जाता है। ऑन विच डेट द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस वॉज ऑब्जर्व। एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू भूटान किसको अपॉइंट किया गया है। एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू भूटान, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, और आपका लास्ट सवाल है, ठीक है, ये भी अपन कर चुके हैं। नेशनल सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन सी सिटी के अंदर स्टार्ट की जा रही है, ये भी आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज आपको कवर करने हैं। तो उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे अच्छे वीडियोस मिलते रहे। इसके अलावा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप अपनी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग कर सकते हैं। वाईफाई स्टडी यूज करेंगे तो 10% आपको ऑफ भी मिलेगा, और सारे जो देश के टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आप पूरा का पूरा एक्सेस कर सकते हैं सारे वीडियोस इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उन सभी के। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।